और गाइस आज का जो मेरा वीडियो है वो है रोज पेटल जेल। तो गाइस जैसे आपको पता है कि रोज वाटर भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जो रोज पेटल जेल है ये स्किन के लिए और भी फायदेमंद। जो रोज पेटल्स होते हैं उन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और इसमें जो शुगर होती है वो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसमें जो नेचुरल ऑयल होता है वो आपके सनबर्न, ड्राई स्किन और जो मॉइस्चर होता है वो उसको अब आपकी स्किन में जोड़ के रखता है। गाइस रोज पेटल में एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो कि आपके थोड़ा भी स्किन पे अगर कट्स हैं, रैशेस हैं और सनबर्न है उनके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और जो अगर आपकी स्किन में चमक नहीं है, ग्लो नहीं है, ये आपकी स्किन को ग्लो भी देगा, बिकॉज रोज पेटल में जो है विटामिन सी की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उससे आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा। और एनीवे अगर आपको पिंक स्किन चाहिए तो दिस रोज पेटल जेल इज़ यू नो वंडरफुल फॉर योर स्किन। सो गाइज चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज रोज जेल बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश रोज़ की ये पेटल्स, इनकी पंखुड़ियाँ। तो ये मैंने बड़ा रोज़ पेटल लिया है। जो आपका जेल है वो आई थिंक 7 से 10 दिन चलेगा, तो उस हिसाब से एक बड़ा आप गुलाब का फूल लेंगे और उसकी पंखुड़ियाँ देंगे लाइक दिस, ठीक है। इतना बड़ा आप ले सकते हैं या थोड़ा इससे और बड़ा ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये हमने जो गुलाब की पंखुड़ियाँ ली थी पेटल्स, उसको हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद क्या आप करोगे, आपको इनको ग्राइंड करके पेस्ट बनाना है। तो हम इनको ये ग्राइंडर जार में डालेंगे और आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है। गाइस हमारा ये पेस्ट बनके तैयार हो गया, हम इसको एक अपने बोल में निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पेस्ट तैयार है, मैं आपको बताती हूँ कि इसका जेल हमें कैसे बनाना है, ठीक है। जो हमने गुलाब की पंखुड़ियों का पेस्ट बनाया था वो हम 1 टेबल स्पून ले लेंगे, ठीक है। और इसमें हम मिलाएंगे 2 टेबल स्पून ऑफ अलवेरा जेल। ये मार्केट का ही आपको अलवेरा जेल लेना है, फ्रेश नहीं लेना, ठीक है। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाइस ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है, हम एक अच्छे से खाली और क्लीन कंटेनर लेंगे और उसमें हम इसको स्टोर करेंगे। और फिर आप इसको अच्छे से लगा देंगे और आप इसको फिर फ्रिज में रख देंगे, और ये आपका 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको इसको यूज़ करना है, उसके बाद आप फ्रेश बनाएंगे, ओके गाइस। और इस जेल को आप सुबह शाम अपने मॉर्निंग और नाइट के स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। गाइस मैं और ये बताऊँ, ये जो जेल बेस्ड ये मॉइस्चराइज़र होते हैं ये समर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आप जो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वो अगर आप विंटर्स में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और समर में आप जितने भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएंगे वो उतने ही अच्छे काम करेंगे, क्योंकि क्रीम बेस्ड से क्या होता है समर में स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और आपके पोर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का रोज पेटल जेल। इस जेल को आप अपने मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके सनबर्न है तो आप इसको दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं, ओके गाइस। प्लीज़ आप इसको यूज़ कीजिए और मुझे इसका फीडबैक भी दीजिए। बट आप कुछ भी लगाने से पहले एक बार जरूर पैच टेस्ट कर लें, उसके बाद ही अपनी स्किन पर अप्लाई करें। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं एक और नए वीडियो के साथ वापस आऊँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।